अभीष्टोम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणी असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत ही विशेष तिथि, आज ही के परम पवित्र तिथि को अवलंबन करके स्वीकार करें श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी महाराज एवं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाराज इस संसार से तिरोधान कर भगवत धाम में प्रवेश करने का लीला किया। मतलब है कि नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता है और श्री गोविंद लीलामृत के भी उनका आविर्भाव काटवा जिले के अंदर हुआ था, है ना? काटवा जिले में उनका आविर्भाव हुआ, जमातपुर नाम का स्थान में काटवा जिले के अंतर्गत उनका आविर्भाव हुआ था। उनका वैशिष्ट क्या है? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का वैशिष्ट क्या है? उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के बारे में अथवा उन्होंने कभी भी अपने गुरुदेव के बारे में उल्लेख किया ही नहीं, उन्होंने कभी भी उसके बारे में उल्लेख किया ही नहीं। क्या किया उन्होंने? केवल यही बोलते रहे हैं, जैसे उन्होंने चैतन्य शिक्षामृत शिक्षा चैतन्य चरितामृत के अंदर उन्होंने बतलाया, तो उन्होंने वहाँ पर बताया कि ये जो छह गोस्वामी हैं जो भी हैं यही है मेरे, ये छह गोस्वामी जो कि मेरे शिक्षा गुरु हैं बोलते हैं यही मेरे सब कुछ है। उन्होंने उनके बारे में विशेष रूप से वहाँ पर उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के बारे में अथवा अपने दीक्षा गुरु के बारे में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन्होंने गोविंद लीलामृत की रचना की, इतना सुंदर काव्य है गोविंद लीलामृत जो कार्तिक के अंदर नियम सेवा में अष्टकालीय लीला चिंतन करते हुए जिन श्लोकों को हम लोग चर्चा करते हैं उन श्लोकों का जो ग्रंथ है उसका नाम है गोविंद लीलामृत।
उसकी रचना जो है वो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने ही किया। वही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी जब गोविंद जी के मंदिर में गए थे, जो गोविंद जी का जो मंदिर का जो पुजारी है उन्होंने उनसे प्रार्थना किया कि आपको श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला कथा का रचना करना होगा, आपको श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला चरित्र का रचना करना होगा। वो बोलते हमारा तो उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, जिस उम्र में कैसे लिखेंगे। और दूसरा वैष्णव मतलब है कि गुरु, वैष्णव आज्ञा मतलब है कि गुरु आज्ञा, उसको हम लोग किस प्रकार से नकारें, क्योंकि उसके पूर्व में चैतन्य भागवत का चर्चा वहाँ पर प्रतिनिधित्व पाठ हुआ करता था, जो कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज के द्वारा विरचित है। लेकिन उन्होंने महाप्रभु के संन्यास के बाद का जो भी लीला है उसको उन्होंने वर्णन नहीं किया, श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बाद का वर्णन नहीं किया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बाद का जो भी लीला है उसको वर्णन करने के लिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी से प्रार्थना किया गया था उस स्थान पे। क्या बोलते हैं, तो इसीलिए वो बोलते हैं जो हरिदास उनका नाम है, जो कि गोविंद जी के मंदिर के मुख्य सेवायत हैं, उन्होंने प्रार्थना किया। क्यों, कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी जी के अंगत में रहते थे और उनके पास रघुनाथ दास गोस्वामी के पास से उनको चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाओं के बारे में जानने का मौका मिला। और साथ ही स्वरूप दामोदर गोस्वामी का जो डायरी है, जो पर्सनल जो डायरीज हैं जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के, वो भी उनको प्राप्त हुए, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते थे स्वरूपे रघुनाथ, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको ऐसा बोला जाता है। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी के वो जो डायरी हैं वो, और उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से जो उन्होंने श्रवण किया और वैष्णवों से जो श्रवण किया वो सब लेकर के उनके पास महाप्रभु के संबंध में बहुत सारा संग्रह था। इसीलिए वो जानते हैं कि गौरहरी के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत अच्छा जानते हैं। इसलिए उनसे प्रार्थना किया कि आपको क्या करना होगा, चैतन्य महाप्रभु की चरित्र का रचना करना होगा। तो उनके मन में बहुत चिंता हो गया, क्यों, वो बहुत अच्छे रचयिता है, बहुत सुंदर उनका लेख। तो उन्होंने क्या किया, मदन मोहन मंदिर में जा कर के बैठे, मदन मोहन जी के मंदिर में जाके बैठे, बैठ के चिंता कर रहे। बात उठा था गोविंद जी के मंदिर, अब वो उधर से निकल कर मदन मोहन जी के मंदिर में जाके बैठे, बैठ के चिंता कर रहे कि वैष्णव तो गुरु है, उन्होंने मुझे आदेश किया, अब मैं इस सेवा को कैसे पूर्ण करूंगा और भगवान की क्या इच्छा है, जब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था। उसी समय क्या हुआ, उनके मन में था मैं तो अयोग्य हूँ, मैं तो ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं तो गुणी हूँ, मैं तो अयोग्य हूँ, इसलिए अयोग्य हूँ, वृद्ध हूँ, तो इस का सेवा कार्य को कैसे संपन्न करूँगा। उसी समय मदन मोहन जी के गले से हार नीचे को गिरा, जिसको वहाँ का जो पुजारी है गोसाई दास जी, उन्होंने एक ला करके क्या किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गले में डाल दिया कि मदन मोहन का यही आशीर्वाद है। तो जैसे ही वो उनके चरणों में आश्रय लिया
और उन्होंने कृपा का आहार उन्हें प्रदान किया। उसके बाद उन्होंने समझ लिया कि ये मदन मोहन का कृपा है, उनका आशीर्वाद है। इसलिए उन्होंने वहां पर वर्णन किया, क्या बोलते हैं, यही ग्रंथ लिखाए मोरे मदन मोहन अमार लिखन एन शुकेर पठन। ये ग्रंथ मेरे से कौन लिखवा रहे हैं, बोलते मदन मोहन, मैं नहीं लिख रहा। कोई सोचे कि शायद मैं ही लिख रहा हूँ, मैं तो अयोग्य हूँ, बुजुर्ग हूँ, मैं कैसे लिख सकता हूँ, बोलते तो मदन मोहन है जो लिखा रहे हैं। और कैसे लिखा रहे हैं, वो अपने मुख से बोल रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, शुक पक्षी की तरह, तोते की तरह केवल उसको रट रहा हूँ बस। तोता को कुछ नहीं समझ होता है क्या कर रहा है क्या नहीं, जो उसको सिखा दो वो रटेगा। बोलते मेरा काम भी बिल्कुल वही पे वही चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ तोते की तरह रटे जा रहा हूँ जो मुझे मदन मोहन रटा रहे हैं। ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भाव था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी राधा कुंड के तट पे रहकर चैतन्य चरितमृत का रचना किया, उन्होंने वहाँ पर उनका भजन कुटीर है जहाँ उन्होंने चैतन्य चरितमृत को रचना किया, और बगल में ही रघुनाथ दास गोस्वामी का स्थान है। और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तीनों का जो है स्मृति समाधियां एक ही स्थान पर राधा कुंड में बनाया, बिल्कुल वही पे जहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भजन कुटी है। मदन मोहन का आशीर्वाद लेकर उन्होंने इस महाकाव्य का रचना आरंभ किया है। और रचना करते हुए क्या बोल रहे, मैं नहीं लिखता। और हर व्यक्ति को ये चीज समझना चाहिए कि करने वाले हम नहीं होते, करने वाले कौन होते, भगवान ही होते, कर्ता भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ हमारा सौभाग्य यही है उनके उस कार्य में हमको निमित्त बनाया, उनके उस कार्य में हमको निमित्त बनाया, यही हमारा सौभाग्य। इसके अतिरिक्त और कोई भी चीज वहां पर जीव के हाथ में है ही नहीं, ये क्योंकि भगवान के प्रिय भक्त हैं, जिसको भगवान ने स्वयं चुना अपने जीवनी को, अपनी लीला को रचना करने के लिए, ऐसा इसीलिए वो ये बात बता रहे, मैं कैसे लिख सकता। और क्या बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में प्रतिनित्य रात्रि संकीर्तन हुआ करता था। रात को लोग मिलकर उनके स्थान पर कीर्तन किया करते थे। वहां पर एक ब्राह्मण को रखा था, उनका नाम था गुणार्णव मिश्र। किसके लिए रखा, विग्रहों की सेवा करने के लिए रखा था। और बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो भाई है, उन्होंने मीन केतन रामदास नाम का एक भक्त जो कि नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं, उनको उन्होंने कीर्तन के लिए वहां पर बुलाया। वो आए उधर, क्या करते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो भाई है उनको महाप्रभु के प्रति श्रद्धा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति उतना विशेष श्रद्धा नहीं है, थोड़ा सा कम है ऐसा। उससे क्या हुआ, चैतन्य प्रभुता प्रभुते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रतितार विश्वास अभाव। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रति तो उनका पक्का विश्वास है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति जो है थोड़ा सा विश्वास का आभास, एक मतलब हल्का सा प्रकाश की तरह, ऐसा नहीं कि उनके अंदर पूर्ण विश्वास है। अब जब ये देख
कौन बता रही है? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं चैतन्य चेतामृत। वो क्या बोल रहे हैं कि जब उन्होंने मीन केतन रामदास जी ने इस दृश्य को देखा, उनको उनसे सहा नहीं गया, उनको मन में इतना कष्ट हुआ, वो बंसी बजा के उन्होंने उसको तोड़कर वहाँ से दुख में चले गए कि मेरे प्रभु का जहाँ पर सम्मान नहीं है वहाँ पर मैं किस लिए रहूँगा। ऐसा अभी हम एक बच्चे से मिला, अच्छा लड़का है, भक्त है, वो जिस मंदिर में प्रणाम करने जाता है, सेवा करने जाता है, वहाँ पर उसके गुरुदेव का और उसके परम गुरुदेव का नाम लेना मना है। बोलते आप अपने गुरुदेव का नाम यहाँ नहीं ले सकते और आप जो है यहाँ पर परम गुरुदेव आदि का नाम ले ही नहीं सकते। उस बेचारे को समझ ही नहीं, जिस स्थान पर और कोई रिस्ट्रिक्शन हो चलता है लेकिन जहाँ आराध्य देव का ही नाम लेने के लिए मना है, आप उनका ही नाम नहीं ले सकते जिन्होंने आपको इस भक्ति मार्ग में प्रवेश दिया। उसके बाद वहां जाने का मतलब क्या होता है? जहां आप अपने गुरुदेव अपने इष्ट का नाम ही नहीं ले सकते, उस स्थान में जाने का अर्थ क्या है? उस स्थान में जाने का तात्पर्य क्या है? वो तात्पर्य है, चाहे वहां कोई सुविधा ना हो, अगर वो अपने गुरुदेव का और अपने परम गुरुदेव का स्मरण कर सकता है तो उसके लिए उससे बढ़कर के श्रेष्ठ स्थान और कुछ है ही नहीं। ये तो इष्ट निष्ठा का भी एक बात होता है। मीन केतन रामदास जी जो है वो वहां पर इतना दुखी हुए, वो उस निमंत्रण को स्वीकार कर नहीं पाए क्योंकि उन्होंने देखा मेरे प्रभु जो नित्यानंद प्रभु है उनके प्रति तो श्रद्धा तो दिखाई नहीं देता, ऐसे स्थान पर मैं कैसे रहूंगा, तोड़ के चले गए। ये देखने के बाद क्या बोलते कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? किंवा दोहो नामानी ना बहु तो पाषण, एके मानी आर ना मानी यही मत भंड। बोलते हैं एक को अगर आप दोनों को अगर नहीं मानते हो, बोलते हैं क्या बोलते हैं, अगर आप दोनों को नहीं मानते हो तो क्या है आप नास्तिक हैं, आप ना भक्त मानते ना भगवान मानते, दोनों ही नहीं मानते। लेकिन एक को मान के दूसरे नहीं मानने वाला जो होता है वो कौन है? वो बोलते हो तो कपटी है, तो कपटी है। बोलते हैं ऐसे जो लोग हैं उनका मंगल कैसे होगा? वो भगवान को मान रहा है लेकिन भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनका नाम नहीं ले सकते, उनको नहीं मान सकते, तो व्यक्ति का मंगल कैसे होगा? भगवान को मानना मतलब है कि भगवान के हर सृष्टि के हिस्से को मानना, तभी तो वो व्यक्ति वसुदैव कुटुंबकम का हिस्सा बन सकता है। पूरा पृथ्वी एक परिवार है, कैसे? क्योंकि ये पूरा पृथ्वी के अंदर ये पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जीव है वो नित्य प्रभु भगवान के ही अंश है, और जो उस अंश के अंदर जो कि विशेष है भगवान के अतिशय प्रिय पात्र है उनके शुद्ध भक्त, उनको अगर नहीं मानते हैं तो फिर क्या मतलब है? शास्त्र बोलते हैं वो एक बहुत बड़ा कपट व्यक्ति। ऐसे चैतन्य चेतामृत में उन्होंने इस बात को उल्लेख किया। लोचनदास ठाकुर क्या बोलते हैं? जे देशे मोर निताई नाई से देशे ना जाबू। बोलते जिस जगह पर मेरा निताई नहीं है, बोलते उस जगह पर मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, सपने में भी नहीं जाऊंगा,
निताय विमुख जनेर मुख न हेरी। जो नित्यानंद प्रभु के जो विमुख जन है, मतलब उनका मैं मुख भी नहीं देखूंगा, उनका शक्ल नहीं देखूंगा। भक्त द्रोही जितने भी होते हैं, वैष्णव द्रोही, गुरु द्रोही जितने भी होते, बोलते उनका मुंह भी नहीं देखना है, ऐसा है ना। ये बात है, क्या बोल रहे हैं यहां पर, वो बोलते हैं जिस दिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने भाई को इस तरीके से बोला, उसी दिन नित्यानंद प्रभु ने उनको स्वप्न दिया, देखे आदेश दिया, क्या बोलते तुम यह स्थान को छोड़कर वृंदावन चले जाओ, तुम्हें क्या होगा, सिद्धि प्राप्त होगा, सिद्धि प्राप्त होगा, जाओ यहां से जाओ, सर्वसिद्धि तुम्हें प्राप्त होगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका रचना करते हुए कह रहे थे, ये बात कहने से मुझे बहुत प्रतिष्ठा जरूर मिलेगा, लेकिन क्या करूं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा है, उसको नास्मरण करने पर दोष लगता है, इसीलिए मैं उनकी कृपा को स्मरण करते हुए यह बात को बतला रहा हूं। ऐसे कौन बोले, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इसीलिए मेरे समस्त अपराधों को मेरे प्रभु क्षमा करे, ऐसा वो प्रार्थना कर रहे थे। इसीलिए वो जब वृंदावन गए थे, वहां पर उनको षडगोस्वामियों को दर्शन हुआ, इतना ही नहीं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का, सभी का दर्शन हुआ, इतना ही नहीं, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ आदि जो विग्रह हैं, उन सबका भी वहां पर उनको दर्शन प्राप्त हुआ है। क्यों, नित्यानंद प्रभु ने कृपा करके भेजा, जब नित्यानंद प्रभु का कृपा होता है, उस कृपा को लेकर जब वो आगे आए, उसका परिणाम में क्या हुआ, उनको वहां पर सब दर्शन प्राप्त हुआ। होता क्या है, एक साधक का जीवन में जो सिद्धि है वो कब आता है, जब उसके जीवन में गुरु वैष्णवों का कृपा होता है, तभी आता है। आप देखो, इसीलिए बताया, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोल रहे इस बात पर, है ना। मंगलाचरण में क्या बोले, गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मर, उनका स्मरण, क्या मिलेगा उनका स्मरण करने से, तीनेर स्मरण हाय विघ्न विनाश, परमाराध्य गुरुदेव इसको कई बार बोलते थे, जोर दे के बोलते थे, कितने बार बोले इस बात को जिसका कोई हिसाब ही नहीं, और एम्फसाइज करके बोलते थे, हर कथा से पहले बोलते थे, क्योंकि तीनों का स्मरण से विघ्न जाता है। हम सिर्फ भगवान को मानते तो विघ्न नहीं जाएगा, हम गुरु जी को मानते तब भी नहीं जाएगा, बोलते तीनों को मानना होगा, गुरु वैष्णव भगवान, गुरुदेव को तो मानना ही मानना है, वैष्णव को भी मानना है, और उसके बाद भगवान को तो मानना ही है, जब तीनों को माने तभी हमारे जीवन की विघ्न जाते। इस संसार में ऐसे बदजीव रहते हैं जो बोलते हैं भगवान को मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो भी उनका अपना भ्रम मात्र ही है, भगवान से बिना संबंध का उनके अनुभूति कहाँ है, साधन कहाँ है, तो मान्यता कहाँ है, मूर्ति देखा, दुनिया कह रही है कि भगवान है, तो जा रहे प्रणाम कर रहे आ रहे। अभी हम एक सज्जन के यहाँ गए थे, बहुत सारे मूर्तियां, बहुत सारी चीजें वहां पर है, ना तो किसी के यहाँ पुष्प अर्पण हुआ है, ना कहीं पे एक तुलसी पत्र अर्पण हुआ है, ना वहां पर कोई भोग का थाली इत्यादि कुछ भी है। भगवान के जितने भी स्वरूप वहां पर हैं, उनका आप पूरा दैनिक कृत्य में कहाँ पुष्प अर्पण कर रहे हैं, कहाँ आप उनको तुलसी इत्यादि दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, नैवेद्य दे रहे हैं, आरती कहाँ दे,
और इतने स्वरूपों में कौन सी ऐसी स्वरूप है जिसके प्रति आपका एक आकर्षण है, आपका एक आसक्ति है? वो सज्जन व्यक्ति है, लेकिन जब आए थे उनको देख के ही मालूम पड़ रहा था कि बहुत बड़ा डिप्रेशन एक सिर पे लेके बैठे, तो ऐसा क्योंकि सेवा का अभाव है। वो कह तो रहे कि मैं भगवान को मान रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, लेकिन सेवा कृत्य बोल करके कुछ है ही नहीं वहां। कम से कम इतने सारे मूर्तियों के नीचे देने वाला आसन भी मुझे लगता है कई युगों से बदला है ना। ऐसा हमारा विषय वस्तु वो नहीं है, लेकिन मेरा कहना, अगर कोई कहता है कि मैं धार्मिक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं श्रद्धावान हूँ, भगवान को मानता हूँ, तो आपकी मान्यता आपके आचरण के अंदर दिखाई देता है। लोग तो आलेख को रख के भी जो है मंदिर को जागृत कर लेते हैं, जहां पर विग्रह रख के भी जो है खंडर बन जाते हैं। क्यों? मान्यता की बात। वो मान्यता कहां से आता है? बोलते गुरु कृपा से आता है, और गुरु कृपा भी फैनेटिक होने से नहीं आता है। वहां पर कैसे होना चाहिए, कृपा को लेने के लिए अपने आप को ओपन रखना पड़ता है। ऐसा तब गुरु कृपा, भगवत कृपा वैष्णव के माध्यम से आके हमें आगे लेकर के जाता है। ऐसा सब समय तो गुरु जी साथ में होंगे नहीं, जैसे गुरु जी हमारे पूरे सब कहाँ कहाँ यात्राओं में थे, 24 घंटा हमारे पास व्यवस्था का, और तब फेसबुक लाइव भी नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कुछ नहीं था, है ना। 20 साल पहले भी मोबाइल फोन वगैरह कहाँ थे उस तरीका से हम लोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप तो दूर की बात, कैसे संग होता था, और भगवान को तो कभी देखा नहीं, क्योंकि इस अधो इंद्रियों के द्वारा भगवान दृष्टिगोचर वस्तु है ही तत्व ही नहीं। वैष्णवों के माध्यम से ही गुरुदेव का संग हुआ, वैष्णवों के माध्यम से भगवान का संग हुआ, और ये वैष्णव संग गुरु कृपा से, भगवत कृपा से जीवन में प्राप्त हुआ। इसीलिए हमेशा गुरु वैष्णव भगवान तीनों का अपना अपना स्थान है। भगवान का स्थान में जो है किसी को नहीं रख सकते, गुरु का स्थान में किसी को नहीं रख सकते, वैष्णव का अपना स्थान है उसमें भी किसी को नहीं रख सकते, लेकिन तीनों का अपना अपना एक स्थान है, उसको हमें दर्शन करके उनका शरण में जाएंगे तभी हमारा जीवन में लाभ होगा। तो जो यहाँ पर इसी बात को हमें समझना है, वैष्णव का अगर कृपा हुआ तो फिर भगवान का कृपा हो जाता है। इधर तो स्वयं भगवान का अभिन्न स्वरूप श्रीमन नित्यानंद प्रभु स्वयं जब कृपा कर रहे हैं, इसीलिए जैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी ब्रज में पधारे, साथ साथ उनको वहां पर षड गोस्वामियों का दर्शन प्राप्त हुआ, और इतना ही नहीं, और भी गौर पार्षदों का दर्शन प्राप्त हुआ, इतना ही नहीं, जितने भी वहां पर संबंध अभिधेय प्रयोजन आदि के जो स्वरूप हैं, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ, तीनों का दर्शन प्राप्त, बड़े आनंद। इसलिए यहाँ पर इस बात को उन्होंने स्वयं ही उल्लेख किया कि इतना बड़ा कृपा नित्यानंद प्रभु का इस दास के ऊपर हुआ, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ, ना कि इस बात को बताकर मैं कोई अपना श्रेय लेना है। उनकी दयनीयता की पराकाष्ठा, क्या बोलते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना परिचय में, अपना परिचय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, वो बोलते हैं जगाई मधाई हई ते मुई से पापिष्ट, जगाई मधाई से भी मैं ज्यादा खराब आदमी। महाप्रभु की लीला में जो सबसे खराब जिसको देखा गया वो तो जगाई मधाई को ही देखा गया, जो कि नित्यानंद प्रभु का सर के ऊपर भी प्रहार कर दिया उन्होंने,
और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, जगाई मधाई मधाई है ते मुई से पापिष्ट। मैं तो जगाई मधाई से भी ज्यादा पापी व्यक्ति। और क्या बोलते हैं, पुरुषेर कीट है ते मुई से लभिष्ट। मतलब क्या है, विष्टा का कीड़ा, विष्टा में जो कीड़े होते हैं, मैं बोलते उससे भी छोटा हूं, मैं उससे भी जो है निकृष्ट हूं। कैसे बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, मोर नाम सुने जय तार पुण्य क्षय। जो मेरा नाम सुनेगा उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, मोर नाम लय जय तार पाप पर। जो मेरा नाम लेगा उसका पाप होगा, जो मेरा नाम सुनेगा उसका पुण्य खत्म हो जाएगा। वो बोलते हैं, एवो निर्घृण मोरे केवा कृपा करे एक नित्यानंद बिना जगत भीतर। वो बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु के बिना मेरे ऊपर और ऐसा कौन है जो अनुग्रह कर सकता है। इस तरीके से कैसे आदमी है, ऐसे घृणित व्यक्ति, और कौन मेरे ऊपर जो है कृपा कर सकता। बोलते केवल नित्यानंद प्रभु ही मेरे ऊपर कृपा कर सकते, ऐसा मतलब है गुरु कृपा। नित्यानंद मतलब ही गुरुदेव, वो ही मुझ पर कृपा कर सकते, स्वयं नित्यानंद मेरे पे कृपा कर सकते, बलदेव मुझ पर कृपा कर सकते। दैन्यता भक्त का भूषण है ना, दैन्यता भक्त का भूषण। अगर दैन्यता नहीं है भक्त के जीवन में, कोई उपलब्धि नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर दैन्यता नहीं, अगर आपका साधन आपको दीन नहीं बनाया, मतलब है कि आपको कोई भी उपलब्धि हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहां पर यही चीज उन्होंने अपने आचरण से जगत को दिखला रहे थे। आगे बता रहे हैं किस प्रकार से चैतन्य चरितामृत की उत्कर्षता। चैतन्य चरितामृत सर्वोत्तम ग्रंथ माना गया। श्रील प्रभुपाद जी से जब पूछा गया, प्रभुपाद जी बतला रहे, श्रील प्रभुपाद जी एक बड़े विद्वान हुए थे उस समय के, राजर्षि शरदेंदु राय नाम से, वो बहुत बड़े विद्वान थे। उनसे पूछा, अगर आपसे हम कहें कि आप अपने साथ एक ग्रंथ रख सकते हैं, तो आप किसको रखना चाहेंगे। वो बोलते भगवत गीता भगवान के मुख से निकला है, ये सब बता दिया। और बोली तो बोलते श्रीमद् भागवतम, क्योंकि यही ब्रह्मसूत्रों का भाष्य है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, सारा कुछ उन्होंने बताया। उसके बाद बोलते हैं और बोलिए, तो वो कहते कि इसके आगे और क्या बोल सकते हैं, भागवत के आगे और क्या बोल सकते हैं। आगे ही सारे शास्त्रों में से भागवत सबसे ऊपर है। व्यास जी महाराज ने भी वेद उपनिषद सारा कुछ रचना करने के बाद, पुराण इतिहास सब करने के बाद, अंत में जब उनका शोक निवृत्ति नहीं हुआ, तो नारद गोस्वामी की कृपा से भागवत जी को प्रकट कराए। वो बोलते हैं, वो लिखने के बाद व्यास जी महाराज ने भी अपने कलम को विश्राम दे दिया, उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा। आप बोलते हैं भागवत जी के बाद आप बोल रहे हैं और बोलिए, बोलते हम नहीं बोल सकते, हमारी समझ से परे। तब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर प्रलय हो गया, हमने अगर किसी एक ग्रंथ को बचाना है, वो बोलते हैं वो चैतन्य चरितामृत ही होगा। जरूरत पड़ा हम भगवत गीता को भी आगे कर देंगे, भागवत जी को भी रख देंगे, लेकिन चैतन्य चरितामृत को अपने छाती पे रख कर जितना देर हम तैर सकते हैं उतना देर तैरता रहेगा। क्यों?
क्योंकि चैतन्य चरितामृत है तो समस्त शास्त्र उसी में, चैतन्य चरितामृत में भगवत गीता जी है, भागवत है, उपनिषद है, पुराण है, सब कुछ उसके अंदर वहां पर वर्णन है बड़े सुंदर तरीका से। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते हैं हमको तो ये पढ़ करके समझ में आया नहीं, बोलते हैं जब हमने उसको गुरु वैष्णव के मुख से सुना चैतन्य चरितामृत को, और उसके बाद भी जब उसको बंगला से हिंदी में अनुवाद किया तब और भी बारीकी से पढ़ना था, तब धीरे 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 सारे तत्व समझ में आने लगा। हमारा एक गुरु भाई, उनका नाम है पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति सुंदर भारती महाराज, हमारा गुरु भाई है पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी के अप्रकट के बाद उनका संन्यास हुआ। वो जो भारती महाराज है जब ब्रह्मचारी था, पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज जी के पास जाकर बोला कि आप आशीर्वाद दीजिए चैतन्य चरितामृत का मैं नियम से पाठ कर सकूं। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद प्रश्न किया कि महाराज जी कितने बार, मतलब ये मुझे कब समझ में आएगा, मैं पढ़ूं तो ये मुझे चैतन्य चरितामृत कब समझ में आएगा। महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले कम से कम 100 बार तो पढ़ो। तो अभी वो जो महाराज है, वो जो हमारे, वो अभी 5 बार पढ़ चुके हैं, 6ठे बार अब वो चैतन्य चरितामृत उनका पाठ चल रहा है, प्रतिनित्य उनका डेली साधन है, सुबह संध्या करने के बाद वो चैतन्य चरितामृत का पाठ करते हैं। मैंने देखा वो व्यक्ति बहुत बड़े सिद्धांत के अंदर एकदम ऐसा नहीं है कि पक्का, वो हमेशा हल्का भाषा में कथा बोलते हुए लोगों को नाम के लिए प्रेरणा देने वाला ऐसे स्वभाव, एकदम गंभीर ऐसा नहीं है। लेकिन 5 बार चेतन चरितामृत पढ़ने के बाद मैं देखा, अगर कोई किसी भी कथा के हिस्से में से अगर गड़बड़ होता है तो ये झट से बोल देते हैं ये तो ऐसा नहीं। बात यह है कि आप इतने बार उसको पढ़ने के बाद, उपलब्धि आगे की बात है, आपको सिद्धांत समझ में आ गया है, सिद्धांत समझ में आ गया। क्यों, कौन सा ग्रंथ पढ़ा, क्या गीता पढ़ा, पद्म पुराण पढ़ा, भागवत पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, चैतन्य चरितामृत को नियम से पढ़ा और सिद्धांत समझ में आ गया। बोलते वो तो उधर तो ऐसा नहीं है। और कई बार जब चर्चा होता है तो कुछ अच्छी बातें, कुछ ग्रंथ की बातें भी निकल के आ जाते जो याद है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोला था, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, सिद्धांत है बोल करके आलस क्यों करना, वो बोलते कभी भी आलस नहीं करना। उसी से श्री कृष्ण के चरणों में सुदृढ़ मति होने वाला, चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में वही सब है, नित्यानंद तत्व है, महाप्रभु का तत्व है, सारे तत्वों के बारे में वर्णन है उसमें। आदमी जैसे जैसे उसको श्रवण करता जाएगा, पढ़ता जाएगा, धीरे 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 वो तत्व भगवान के पास लेकर के जाता है, भगवान के चरणों में अनुराग प्रबल कर देता है। और हम देखा जिनको जो है उस तरीके का उतना कथा का अभ्यास नहीं, जिनके अंदर जो है इतनी कोई कथा को लेके परिपक्वता नहीं, चैतन्य चरितामृत पढ़ने से, उसको श्रवण करने से उनको भी जो है महाप्रभु के संबंध में बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है, भक्ति के बारे में, हमारा प्रयोजन तत्व के बारे में,
सारे शास्त्र तीन चीजों के बारे में वर्णन किया, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। वो तीनों ही तत्व के बारे में चैतन्य चरितामृत में एक करके बड़े सुंदर तरीका से बता दिया, महाप्रभु का आदर्श पूर्ण जीवन को लेकर के। क्या बोलते हैं, बड़े ही शास्त्र के सिद्धांतों को बड़े ही सुंदर और सीमित और मृदुल शब्दों में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जगत के आगे परोस दिया। ऐसा ऐसा नहीं है कि लंबा लंबा खींचते खींचते चले गए, एकदम सार सार में उन्होंने शास्त्र के सिद्धांतों को वर्णन करते हुए सब कुछ कर दिया। ऐसा इसीलिए हमें इस चीज को समझ में आएगा जैसे जैसे हम उसका पाठ करते रहेंगे कि श्री चैतन्य चरितामृत वास्तविकता में भागवत, भगवद गीता आदि से भी और अधिक कृपालु है, और शास्त्रों से भी कई अधिक कृपालु है। जैसे आप देखेंगे रामचरितमानस है, वाल्मीकि जी के रामायण से अगर हम तुलना करते हैं वो अधिक कृपालु है। वाल्मीकि रामायण पढ़कर जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है भक्त बनेगा ही, ऐसा क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी जो है वो शक्ति के आवेश में जो है जैसा दिख रहा है उन्होंने उसको एज इट इज उतार दिया। वो देख रहे लिख रहे, देख रहे लिख रहे, उनको वो दृष्टि जो है भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। या ऐसा वो बोलते हैं, और ब्रह्मा ने उनको वरदान भी दिया, जब तक पहाड़ रहेंगे, सूरज रहेगा, चंद्रमा रहेगा, है ना, तब तक ये तुम्हारे द्वारा रचित ये जो रामायण कथा है वो इस जगत के अंदर प्रचार होता रहेगा उसका। लेकिन जो रस, जो मिठास या जो भगवान के प्रति एक आसक्ति का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पढ़ के आता है, वो एक अलग ही स्तर का होता है। ऐसा संपूर्ण भारत के अंदर आज लोग रामायण को लेके अगर कनेक्टेड है, जुड़े हैं, वो तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस के आधार पे जुड़े। कितने लोग उसको पढ़ते, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मूल कम है, वो मूल ग्रंथ है, उसी के आधार पे तुलसीदास जी महाराज ने जो है रामायण की, रामचरितमानस की रचना की। लेकिन कहने का तात्पर्य है उसमें उनके भाव हैं, भक्त के भाव। यहां श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान की उस लीला का वर्णन कर रहे हैं जो कि जो भगवान उस तरीके का लीला गीता जी के भारत में भी है ना, भारत महाभारत में भी उन्होंने ऐसे आचरण नहीं किया, और भागवत के अंदर विभिन्न अवतारों के मध्य में भी नहीं किया। ऐसी जो लीला जो कि श्री चैतन्य रूप में आके किया, क्यों? वहां पर उन्होंने भक्त भाव को अंगीकार करके किया। आगे जितनी भी लीलाएं हैं वो सब भगवान प्रभु रहकर, स्वामी रहकर, यहाँ अर्जुन को उपदेश दे रहे, वहां प्रभु रहकर ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि सभी भक्तों के ऊपर कृपा कर, लेकिन चैतन्य लीला में स्वयं भगवान भक्त रूप में अवतीर्ण होकर भक्त भाव को अंगीकार करके इस जगत के आगे भक्ति की सर्वोत्कृष्टता का परिचय दे रहे हैं। ऐसा इसलिए यहां पर इस बात को बताया। आगे क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं हमेशा एक चीज को याद रखना होगा, वो क्या है? वैष्णव का महिमा कीर्तन, वैष्णव का आविर्भाव में अथवा वैष्णव का तिरोभाव में तो विशेष रूप से करना ही चाहिए। श्रील भारती गोसाई महाराज जी से कई बार सुना
परमाराध्य श्री गुरुदेव से भी कई बार सुना, जब हमारे जीवन में गुरु वैष्णव भगवान का स्मृति होता है, सारे अनर्थ का सृष्टि तभी होता है। इसीलिए बोलते हैं अविस्मृति कृष्ण पादारविंद, कृष्ण के पाद पद्म का अविस्मृति, जो कभी नहीं भूलना, निरंतर स्मरण करते रहना, क्या होगा उससे? जितने भी अमंगल है सब समाप्त हो जाते हैं और परम मंगल का उदय व्यक्ति के जीवन में अपने आप स्वतः हो जाता है। और इतना ही नहीं, तत्व तात्विक ज्ञान होगा, मतलब है कि भगवत संबंधी ज्ञान उसको प्राप्त होगा। नहीं नहीं नहीं, वो बोलते कि ज्ञान की अनुभूति, ऐसा। और इतना ही नहीं, व्यक्ति के जीवन में भगवत पाद पद्म में अनुराग भी होगा। इसलिए बोलते वैष्णव का गुणावली का कीर्तन प्रतिनित्य होना चाहिए। हमारे आचार्य जैसे श्रीदास गोस्वामी आदि प्रतिनित्य सहस्रों वैष्णवों को स्मरण करते हुए उनके नाम पे लेट लेट कर दंडवत प्रणाम किया करते थे। एक एक वैष्णव को याद करना, उनको प्रणाम करना, फिर खड़े होना, याद करना, फिर दंडवत करना, ऐसे एक एक दिन में किया करते थे। ऐसा परमाराध्य गुरुदेव जयध्वनि उनका कितना लंबा होता था। आजकल थोड़ा सा 5-10 मिनट जयध्वनि लंबा होने से, पहली बात तो हम लोगों का वो अभ्यास नहीं है कि हम खड़े होके जाए नहीं करते रहे, इधर उधर बैठ जाते। लेकिन अगर थोड़ा लंबा होने से व्यक्ति एक दूसरे का शक्ल देखने लगता। पहली बार जब गुरुजी के मुखारविंद से जयध्वनि सुना था, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इतना लंबा जय होता है। उससे पहले जो जयध्वनि सुनता आया, जय क्या बोल रहे, मतलब ये भी नहीं पता चल रहा है कई बार। किसी किसी का ऐसा अभ्यास था, वो बेचारे कोई महात्मा ऐसे ही, वो लोग जल्दी जल्दी कर देते। लेकिन जब गुरु महाराज जी से पहली बार सुना, एक तो गुरु जी इतने धीरे बोलते हैं, जय श्री श्री गुरु गौरंग गांधर्वी का गिरिधारी जीव की, ऐसे बोलते गुरु जी तो। और ऊपर से इतना लंबा, शायद 20 मिनट से भी ऊपर चला जाता था, आधा आधा घंटा हो जाता था। जो हमारे आए क्यों बोलते, उन सबको स्मरण करते रहने से ही हमारा मंगल होता है, ये बताने के और स्वयं आचरण के जगत को शिक्षा देने के। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं वैष्णवेर कृपा पाए कहे सर्व सिद्धि, वैष्णवों का कृपा होने से ही व्यक्ति के जीवन में सर्व सिद्धि है, मतलब भगवत सिद्धि, चरम प्रयोजन की प्राप्ति। आपको जो चाहिए वो आपको उसी से मिलेगा, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय से मिलेगा ही। हमारे जीवन में साधन में मानव जीवन के अंदर 3 तरह के विघ्न हैं। परम गुरु महाराज जी अपनी अंतिम वाणी में इस बात को बतलाया, क्या बोल रहे हैं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा। परम गुरु जी ने कहा था अपने अंतिम वाणी में कि तीनों ही जो है भजन में बाधा है। इसीलिए परम गुरु पाद पद्म क्या बोलते हैं, इनसे हमेशा बच के रहना। यहाँ पर बताया कैसे बचेंगे, भक्त पद धूली भक्त पद जल भक्त भुक्तावशेष। और बोलते हैं 3 महाबल, वहां 3 मुसीबतें हैं, तो यहाँ 3 हमारे पास अस्त्र भी है। भक्त पद धूल, भक्तों की चरणों का धूल, ऐसा वो भक्त का होनी चाहिए, किसी का भी नहीं होता ऐसा। आके अमर ले लेते हैं ऐसे कई बार, उससे होगा नहीं, हम खुद तो एक साधारण बद जीव। बोलते हैं भक्त पद धूली भक्त पद जल, उनके चरणामृत लेना पड़ता है। और भक्त भुक्ता अवशेष, भक्त लोगों का खाने के बाद उनका अवशेष प्रसाद, बोलते 3 महाबल है। वैष्णव का कृपा, वैष्णव का अनुग्रह ही हमारा एकमात्र साधन है, वो हम लोगों को बल देता है, जिससे कि हम लोग ये विघ्नों से निकल कर भगवान की कृपा को प्राप्त कर सके।
जो आज श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाराज का तिरोभाव स्थिति है वो हम पर कृपा करें। उनकी ऐसी महती कृपा है कि जिसके जो चैतन्य चरितामृत के रूप में इस जगत के आगे आया। जब हिंदी वासी क्षेत्र के लोग चैतन्य चरितामृत नहीं था, बंगला में ही था, वो लोग कैसे पढ़ेंगे? सभी तो बंगाली सीख नहीं सकते। तो जब वो लोगों ने कुछ बात भारती महाराज जी की कृपा से बंगला से अनुवाद किया हुआ चैतन्य चरितामृत को पढ़ के अपने आप को कितना धन्य अनुभव कर रहे हैं उनको देख के मालूम पड़ता है। ये केवल अनुवाद मात्र है एक तरह से विचार करें तो, जबकि ये भी साधारण व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। श्रील भारती गोसाई महाराज जी से मैंने सुना था, यही चैतन्य चरितामृत का अनुवाद का जब बात आया था हमारे वृंदावन मठ के उस समय के मठ रक्षक परम पूज्यपाद ओम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने इसको अनुवाद करने का बात श्रील भारती गोसाई महाराज जी से जब चर्चा कर रहे थे, एक ब्रह्मचारी आके वहां पर बोला ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे चैतन्य चरितामृत पर। तो महाराज जी ने कहा एक सेंटेंस का मुझे अर्थ बता दो पहले। बोलते अनध्यांत श्री चैतन्य लीला के जानिते पा। उन्होंने बोल दिया कि चैतन्य महाप्रभु की आदि मध्य और अंत लीला को कौन जान सकता है। महाराज ने बोल दिया कि तुम अनुवाद कर ही नहीं सकते। बोलते महाप्रभु का आदि है अंत है। चुप, मारे बोल रहे थे इसका मतलब है आदि मध्य और अंत से रहित जो चैतन्य लीला है उसको जानने का सामर्थ्य किसमें है। तब फिर वहां के जो पंडित लोग हैं वृंदावन के उस मीटिंग में थे वो लोगों ने बोला कि महाराज हम तो अनुवाद तो कर देंगे लेकिन भाव हम नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि वो भी करते तो वो भी इसी तरीका से करते ऐसा, क्योंकि ये अनुवाद करने वाला मूर्ख तो था नहीं, लेकिन अगर हम भी करते तो ऐसे ही करते। इसका अनुवाद करना है तो आपको ही करना होगा, आपको ही सामने रहना होगा। मेरा ये कहना है कि बंगला से जो कि हिंदी अनुवाद करके जगत के आगे रखने पर लोगों की चेहरे में जो खुशी, उसको पढ़ने वाले को जो आनंद का अनुभव हो रहा है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कृपा करके क्या किया, उन्होंने मूल ग्रंथ का रचना किया जिसको जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज ने प्रकाशित किया है। उस मूल प्रति को कितना बड़ा अवदान है समाज के ऊपर, मूल रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, फिर उसी क्रम में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का, परम गुरुदेव का, गुरुदेव का, श्रील भारती गोसाई महाराज जी का, सभी वैष्णवों का, आचार्यों का कृपा हमारे ऊपर बस रहा है। जो हो आज कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का तिरोभाव तिथि है। गुरु महाराज जी से अक्सर सुना, हम तो उनको देखा नहीं, उनके अभिन्न प्रकाश श्रील गुरुदेव के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। गुरुपाद पद कृपा करें हम पर, जिससे कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कृपा हमारे ऊपर हो और साथ ही उनकी इस अवदान को हम लोग हृदय से समझ सके, उसको अपने जीवन का धन बना सके। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आज तिरुभाव तिथि है और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का भी तिरुभाव तिथि है। रघुनाथ दास गोस्वामी हम पर कृपा करें, उनका वो कृपा हमारे जीवन का शोधन करें और महाप्रभु के चरणों में अनुराग पैदा करें, यही प्रार्थना है। पंचाकृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः।